दुर्ग नगर निगम के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फ्लावर शो का आयोजन राजेंद्र पार्क में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस आयोजन का लुत्फ उठाया। दुर्ग शहर के राजेंद्र पार्क में हर साल की तरह इस साल भी फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचने फूलों की विभिन्न प्रजातियों प्रदर्शित की गई। इस दौरान लोगों को प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी देने स्टॉल भी लगाए गए। वहीं बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। देखिए, बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, पूरे शहरवासी आज दिन भर यहाँ पर जुटेंगे और पर्यावरण जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, पर्यावरण के कारण ही हमारा जीवन संतुलित होता है और हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि पर्यावरण पूरी तरीके से संतुलित रहे, सबको बराबर ऑक्सीजन मिले ताकि सब स्वस्थ रहे। और अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी उसके वजह से, इसके कारण ये था कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी उस समय 15 साल तक, तो उसको रोक लगाने के लिए सरकार ने ये आयोजन किया है। और यहाँ तरह तरह के फूल है, फूल को देखने से वैसे ही मन आह्लादित होता है, खुश होते हैं। ये लगातार 4th साल है दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार पिछले 4 सालों से फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, पर्यावरण की रक्षा को लेकर हम सब संकल्पित है। पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा ये हम सब का दायित्व है। आज हम सब फ्लावर शो का यहाँ पे आयोजन किए हैं और इस फ्लावर शो में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं का स्टॉल लगा है। गौठान गोबर से पेंट बनाना और ऐसी बहुत सी योजनाओं का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। लगभग 60 स्टॉल लगे हैं और सभी स्टॉल महिला स्व सहायता समूह के द्वारा लगाए गए हैं। हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रभारी सत्यवती वर्मा जी और नगर निगम के सभी हमारे MIC के साथी, पार्षद साथी और समस्त कर्मचारी निगम के, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।